दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी का स्वागत जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्या खूब किया गया। पहले टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले बैटिंग चुनी। पता था कि भैया अपन तीनों मैच पहले बॉलिंग करते हुए हार के आए हैं, तो इसलिए क्यों नहीं पहले बैटिंग की जाए, और बैटिंग चुन ली। और बैटिंग चुने तो क्या शुरुआत की भाई साहब। ओपनर जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल, खास करके यशस्वी जायसवाल भाई, छोटा विकेट और बड़ा धमाका, ये कुछ ऐसा ही खिलाड़ी है। पहले ही ओवर से, पहली बॉल से दह चौका भाई साहब, बॉलर को अनसेटल कर दिया और लूट लिए पहले दो ओवर में 30 रन। कुछ ऐसा ही किया भाई साहब, चलते रहे, पावर प्ले भी बहुत अच्छा गुजरा राजस्थान का, लास्ट तक जबरदस्त बैटिंग करते रहे। जबकि बटलर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए, तो सैमसन भी 17 बॉल 17 में बड़ा कर सकते बने, और सिमरन एटमायर जो बड़ी मस्ती आती, तीनों ही सस्ते में निपट ली। उसके बाद देवदत्त पाडिकल और ध्रुव जुरेल ने क्या शानदार फिनिशिंग दिया राजस्थान रॉयल्स को, और 200 के पार ले गए और लक्ष्य दे दिया 204 का। उसके बाद चेस करने के लिए आई धोनी की टीम, ओपनर दोनों कुछ खास नहीं कर पाए और बॉलिंग राजस्थान रॉयल्स ने जबरदस्ती संदीप शर्मा उन्होंने शुरुआत के ओवर बहुत अच्छा डाले। चौथे ओवर से राजस्थान ने बस 3-3 स्पिनर थे, स्पिनर लगा दिए एडम जम्पा, स्विन और चहल, 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर होने का यही फायदा है। एडम जम्पा ने जबरदस्त बॉलिंग, 3 विकेट शानदार तरीके से 3 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन ने भी 2 विकेट लिए बहुत अच्छे तरीके से। चहल का थोड़ा ओपे था लेकिन संभाल लिया, बोल्डर भी थोड़े महंगे था अभी तो, लेकिन लास्ट का ओवर बहुत अच्छा डाला 19 ओवर में, कुलदीप यादव ने भी अच्छा ओवर डाला। इसके बदौलत जीत चुकी है भाई राजस्थान रॉयल्स और पहुंच चुकी है वापस से पॉइंट्स टेबल के नंबर 1 पोजीशन पर। अब यहां से पॉइंट्स टेबल की सूरत भी थोड़ी आसान हो चुकी है, क्योंकि पहले नंबर पर राजस्थान रॉयल्स, फिर CSK, सिटी, ये तीनों टीमें तो लग रहा है कि पक्का जाएंगे सेम प्ले ऑफ्स में। उसके बाद चौथी टीम के लिए लड़ाई हो सकती है, फिर आगे भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।